एवरीवन, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉगोलॉजी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंटर एसेंशियल मस्ट हैव प्रोडक्ट्स की। विंटर इज हियर एंड विंटर में हमें हमारी स्किन की बहुत ज्यादा पैम्परिंग एंड केयर करनी चाहिए, वरना जो हमारी स्किन है वो रूखी सूखी एंड बेजान हो जाती है। इसलिए मैं आज आपके साथ टॉप 5 प्रोडक्ट्स विंटर की शेयर करती हूँ जो मैं यूज करती हूँ, मुझे अच्छा रिजल्ट मिला, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप भी मेरी तरह एक लेजी पर्सन हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो ज्यादा बकबक ना करते हुए लेट्स जंप इनटू द वीडियो। और उसके पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो फर्स्ट जो थिंग है वो है फेस वॉश। विंटर में भी हमें फेस वॉश करने की जरूरत है, वरना जो हमारी डेड स्किन सेल्स होते हैं वो काफी ज्यादा स्किन में ज्यादा हो जाते हैं। स्किन में जो डर्ट एंड पोल्यूशन आता है वो भी ज्यादा होता है। अगर आपकी भी स्किन ज्यादा मेरी तरह ड्राई है तो आप दिन में फेस वॉश को 2 बार की जगह 1 बार यूज करो, बट फेस वॉश को आप डेली यूज करो। एंड विंटर के लिए स्पेशली मैं रिकमेंड करती हूँ, ड्राई स्किन हो जाती है इसके लिए आप कोई जेल बेस, हनी एंड रोज, इस तरीके की प्रॉपर्टीज वाला फेस वॉश ही यूज करो। आजकल बहुत सारे ब्रांड्स में ऐसे हनी फेस वॉशेस भी अवेलेबल है, तो मैं आज के आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये 2 फेस वॉशेस। फर्स्ट वन इज बायोटिक बायो हनी फेस वॉश। ये आपकी स्किन को क्लीन करता है, साथ ही साथ स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। ऐसा नहीं है कि स्किन को इसको इस्तेमाल करने के बाद आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई फील होती है। हाँ, थोड़ा सा ड्राई फील होती है, स्किन क्लीन होता है, बट ये उतना ज्यादा ड्राई एंड पैची नहीं करता स्किन को। सो दिस इज द बेस्ट फेस वॉश एंड ये ना बहुत ही गाइस अफोर्डेबल साइड में है। तो मैं ना विंटर में स्पेशली ये वाली फेस वॉश जो है जरूर इस्तेमाल करती हूँ। आप इसके साथ इसका जो बायो हनी टोनर आता है तो आप चाहो तो वो वाला भी यूज कर सकते हो, मैं फिलहाल वो वाला यूज नहीं कर रही हूँ। सो ये गया मेरा फर्स्ट ऑप्शन। सो ये गया मेरा फर्स्ट ऑप्शन ऑफ फेस वॉश, ये बायोटिक बायो हनी जेल फेस वॉश। एंड सेकेंड इज सेंट डिफेंस का ये ऑर्गेनिक मोरक्कन अर्गन फेस वॉश प्लस रॉ हनी। इसमें ऑथेंटिक एसेंशियल वाइल्ड हनी अरोमा है। ये मॉइस्चराइजिंग एंड हाइड्रेटिंग है। ये सल्फेट फ्री, SLS फ्री, हाइपोएलर्जेनिक, नो फ्रेग्रेंस। आप बेस्ट हनी को स्किन में अप्लाई करो। ये भी बहुत ही अच्छा फेस वॉश है विंटर सीजन के लिए, सो डेफिनेटली गो एंड ट्राई इट। नाउ नेक्स्ट कम टू द बॉडी। तो विंटर में गाइस ये जो हमारे बॉडी हेयर है इसको रिमूव करना ना एक जंग जैसी लगती है। आई मीन गाइस विंटर में जब कड़क की ठंड पड़ती है तब आपको जो रेजर यूज करना हो एंड वैक्सिंग करना हो तो स्किन की तो बुरी हालत होती है, उसके साथ कड़क की ठंडी लगती है यार। इसके लिए मैं एक इजी सा ट्रिक यूज करती हूँ। गर्मियों में मैं तो जिलेट वेनस यूज करती हूँ एंड जब विंटर पड़ता है तो रेजर यूज करने से मैं क्या मेरे स्किन में क्या होता है ना गाइस, इसमें स्किन और भी ज्यादा डैमेज हो जाती है, कभी कभार कट्स आ जाते हैं। एंड मैं वो वैक्स यूज करूँ तो उसमें भी मेरे स्किन में गर्म वाला वॉर्म वैक्स जब डालती हूँ तब भी मेरे स्किन में रैशेज वगैरह आ जाते हैं विंटर में। तो मेरी जो एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है इसके लिए मैं ट्रीट करती हूँ इसको वीट रेडी टू वैक्स स्ट्रिप्स से। ये बहुत ही इजी है, घर में भी आप इसको जब चाहो तब वैक्स कर सकते हो। इसके लिए आपको अलग से पानी, साबुन, किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। ये बहुत ही अफोर्डेबल 99 रुपीज में आता है। इस तरीके की शीट्स आती है, आपको जैसे इसको इस तरीके से वार्म करना है, देन इसको अलग करना है, स्किन में अप्लाई करना है एंड You are good to go. So this is the second thing जो मैं विंटर के लिए यूज करके बारे में बात करनी चाह रही हूँ। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट एक प्रोडक्ट है, ये है निविया प्रोटेक्ट एंड केयर रोल ऑन डियो। रोल ऑन डियो मैं समर एंड विंटर पूरे ईयर जो है मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। इसकी इस्तेमाल करने की ना बहुत सारी जो है बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। एक तो ये 0% अल्कोहल है, यह आपके अंडरआर्म्स को मॉइस्चराइज करने में एंड वाइटनिंग करने में हेल्प करेगा। दूसरा,
कोई भी सीजन हो, आपके अंडरआर्म से जो ओडर आती है उससे ना आपको अनकंफर्टेबल कभी कभी फील होता है. एंड मुझे हर टाइम डीओ लगाना ऐसा पसंद नहीं है. घर में अगर ज्यादा रहते हो तो डीओ आप लगा नहीं पाओगे. इसके लिए मैं ये रोल ऑन डीओ यूज करती हूँ. इसकी जो माइल्ड फ्रेग्रेंस है ये आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बहुत ही ज्यादा एनहेंस कर देगा. ये मुझे बहुत ही पसंद है, ये मुझे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी देता है एंड बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है. 0% अल्कोहल है तो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली प्रोडक्ट है. टॉकिंग अबाउट द फोर्थ प्रोडक्ट जो कि है मेरी बॉडी मॉइस्चराइजेशन के बारे में. तो विंटर में हमारी स्किन जो है बहुत ही ज्यादा रफ एंड ड्राई हो जाती है. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इनकी प्रॉब्लम है. तो आपको 2 से 3 बार आपको बॉडी लोशन अप्लाई करना पड़ता है, कभी कभी मुझे भी पड़ता है. सो दैट्स वाई यू कैन शिफ्ट टू अ बॉडी बटर विच इज रियली हेल्पफुल. ये आपकी स्किन को, ड्राई स्किन को ना अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज एंड थोड़ा सा ऑयली ऑयली फील देता है स्किन को. काफी हेल्दी लगता है स्किन, काफी अच्छा फ्रेग्रेंस होता है. एंड आपको दिन में बस एक ही बार इसको यूज करना है. 2 से 3 बार यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही बार काफी है. स्किन बहुत ही ज्यादा मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट फील होता है. सो मैं ये वाला यूज करती हूँ. ये एम कैफिन का बॉडी बटर है, ये कोकोआ बटर है. इसकी फ्रेग्रेंस गाइस जस्ट बहुत ही अच्छा है. इसका ना ये चॉकलेट वाला फ्रेग्रेंस बहुत ही पसंद है. एंड ये इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल बटर की जैसा है. स्किन में अप्लाई करो, बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाता है. एंड स्किन को बहुत ही अच्छा एक हेल्दी ग्लो प्रोवाइड करता है. एंड बहुत देर तक आपकी स्किन जो है मॉइस्चराइज रहती है. इसके लिए भी मेरे पास 2 ऑप्शन है. एक है ये लोटस का कोकोआ केयर्स, ये ड्राई स्किन के लिए है, बहुत ही अच्छा है. इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ऐसा नहीं कहूंगी, बट ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है. एंड नेक्स्ट है निविया का ऑयल इन लोशन का, ये रोज वाला. इसकी फ्रेग्रेंस ओ माई गॉड, ये ऑल सीजन आप यूज कर सकते हो, पर ये विंटर्स में भी बहुत ही अच्छा है. बट आपको कभी कभार इसको 1 से 2 बार भी यूज करना पड़ेगा. सो ये दोनों अफोर्डेबल ऑप्शंस है. अगेन आप अगर थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप बॉडी बटर जरूर यूज करो. यू बॉडी की तो केयर हो गई पर हम फेस को तो नहीं भूल सकते ना. इसके लिए भी मेरे पास 2 ऑप्शन है. एक तो है ये लोटस हर्बल्स का ये कोकोआ बटर मॉइस्चराइजर. ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है विंटर के लिए, काफी देर तक आपकी स्किन को मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट रखता है. प्लस ये बहुत ही अच्छा लोटस ब्रांड का है तो ये केमिकल फ्री प्रोडक्ट है. फेवरेट ये निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइजर, ये फेस के लिए एक अमेजिंग मॉइस्चराइजर है. इसको मैं विंटर में दिनों रात हर टाइम यूज करती रहती हूँ. ये मेरा, सिर्फ मेरा नहीं, मेरे घर के सभी इंसानों का फेवरेट मॉइस्चराइजर. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.